वालेकुम, मैं वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम मौजूद हैं अपने किचन में, तो साइमा किचन में आप सबका वेलकम। आज हम अपने किचन में मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो आज हम अपने किचन में चिकन पुलाव बना रहे हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैं साइमा लोधी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हमारा नेक्स्ट व्लॉग कुछ ख़ास है। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उसमें चिकन जो है मैंने आधा किलो लिया है। इसके बाद राइस, जो हमारे चावल हैं वो भी आधा किलो हैं। इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर प्याज, 3 से 4 दरमियाने प्याज़े हैं। इसके बाद सारा गरम मसाला, इसके अंदर बादियाने फूल यानी कि पुलाव वाले फूल, तेज़पात के पत्ते, गरम मसाला और ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही हसब ज़रूरत। उसके बाद आ जाता है हरा मसाला। हरे मसाले में शामिल है हमारे 2 अदद टमाटर, हरी मिर्चे, लेमन और हरा धनिया और पुदीना। जी व्यूअर्स, तो हम अपनी जो है चिकन पुलाव की जो है रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम प्याज को जो है बारीक कट कर लेंगे। ये बारीक कट होने के बाद ये इस तरह से हमने इसको बारीक कट करना है। जी तो जो है हमारी प्याज जो है कट हो चुकी है, और अब हमने जो करना है कि पतीले को चूल्हे पे रखना है। स्टोव पे हमने जो है पतीले को रख दिया है और फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। फ्लेम ऑन करने के बाद हमने जो है अब इसके अंदर जो है ऑयल शामिल करना है। ऑयल जो है मैंने देखें 1 कप लिया है, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा बचा लूँगी, ठीक है, ये क्योंकि ये आधा किलो के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर हमने शामिल करना है हमारे कटे हुए प्याज। कटे हुए प्याज डालने के बाद हम इसको जो है ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी जो है प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़ी सी जो है प्याज को हम निकाल लेंगे। जब ये पुलाव रेडी हो जाएगा तो ये ऊपर से हम इसको प्याज को लगाएंगे, और थोड़ी सी प्याज इसी में ये ऑयल में छोड़ देंगे। और इसके बाद जो हमने इसमें डालना है वो है सारा गरम मसाला, ये आ गया ज़ीरा, इसके बाद बादियाने फूल, गरम मसाला और तेज़पात के पत्ते। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट हमने जो 2 चम्मच लिया है वो हम पूरा ही डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास जो है 2 अदर टमाटर हैं, हम इसको जो है कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो हमने लहसुन अदरक और प्याज ब्राउन की हुई है, उसमें जो है लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे। टमाटर कट कर लिए हैं हमने, और टमाटर अब कट करने के बाद हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। अब ये टमाटर जब गल जाएंगे तब हम इसमें चिकन और दही को ऐड करेंगे। इससे पहले इसके साथ साथ हम इसमें जो है सॉल्ट को ऐड करते हैं, और सॉल्ट जो है मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब टमाटर गलने का हम लोग वेट करेंगे। टमाटर गल जाएंगे तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, उसके साथ दही आ जाएगा। फिर जो हमें ये जो हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को हमने जो है इसको कट करके क्रश कर लेना है, यानी कि इसको ग्राइंडर में हमें पीसना नहीं है, इसको जो है क्रश करना है। क्रश करने के बाद हम इस
को ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है पुलाव वाला बहुत बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर आता है, इसका एक फ्लेवर जो होता है बहुत यम्मी सा आता है जी। तो ये टमाटर हो गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन, हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो दही है वो शामिल कर देना है। चिकन जो है हमारा गल गया है, अब हम इसमें जो है ये हरी मिर्चें जो है हमने चॉप कर ली हैं, यानी कि इसको ग्राइंडर नहीं किया है, इसको चॉप कर लिया है ना, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अच्छा, पानी ऐड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये राइस जो है मैंने भिगो दिए थे, कोई से भी राइस आप जो है लें तो उसको जो है 15 से 20 मिनट लाजमी इसको भिगो लें जी। गोश्त जो है देख रहे हैं आप लोग ये अच्छे से भुन गया है और हम अब इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देंगे। पानी ये जो है चावल जो है आधा किलो है तो उसके हिसाब से मैंने पानी रखा है, यानी कि ये 3.5 कप चावल, वो 2 कप चावल थे और इसकी जो क्वांटिटी आई वो पानी की वो 3.5 कप है, यानी कि हाफ मैंने पानी जो है इसमें कम कर दिया था, क्योंकि वो दम जब देंगे हम पुलाव को तो वो जो है उसमें ये दम हो जाएंगे। पानी बॉईल हो गया, पानी बॉईल करने के बाद हम इसमें जो है राइस शामिल कर देंगे और राइस शामिल करके हमने जो है हरा धनिया और पुदीना जो है उसको कट कर लिया है, साफ करके उसको कट कर लिया है, फिर हम उसको भी इसी में ही ऐड कर देंगे। ये पुलाव जो होता है ये ऐसा होता है कि आप इसमें रायता वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे तब भी ये बहुत यमी लगेगा, बहुत मज़ेदार लगता है, इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसके बाद हमने राइस शामिल किए हैं, अब हम इसके बाद इसमें जो है हरा धनिया पुदीना जो मैंने साफ करके वॉश करके रख लिया है हम इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये होता बेसिकली पुलाव है, ये हैदराबादी पुलाव कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर जो है इसी तरह का पुलाव खाया जाता है। और इसके साथ साथ हमने गार्निशिंग के लिए जो रखा हुआ है इसमें हरी मिर्चें हैं, ठीक है, ये लंबे साइज के मैंने इसको कट कर लिया है वो हम डाल देंगे। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये लेमन, मैंने आपको दिखाया था इंग्रेडिएंट्स में इसका जूस, यानी कि इसको मैंने 2 पीस में कट कर लिया है और इसको हमने इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है, ये लेमन जूस हम शामिल करने के बाद जी। तो अब जो है हमने जो है इसमें लेमन जूस भी इसमें शामिल कर लिया है और अब ये जो है बॉयल आना शुरू हो गए हैं हमारे राइस, अब हम इसको जो है कवर कर देंगे जी। तो ये हमारा जो है पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, 10 से 15 मिनट लगेंगे तकरीबन इसको दम के लिए, अब हम इसको दम लगा देते हैं। उससे पहले मैंने ज़ाफ़रानी रंग जो होता है वो ऐड किया है इसमें और उसको ऐड करने के बाद जो है हम इसको दम पे रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए। जब चावल जो है हमारे दम हो जाएंगे, राइस हमारे मुकम्मल जो है दम हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद, डिश आउट करते हैं हम अपने पुलाव को। तो व्यूअर्स, हमारी जो है चिकन पुलाव जो है रेडी है, ये बहुत ही यमी है, इसको बगैर जो है रायते के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये जो है रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।